अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि 3 स्टेप में बनती है। यहाँ पे मैंने ये जूसर जग जो होता है इसके अंदर मैंने ये आधा किलो दही लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। आधा किलो दही में मैं ये 2 ग्लास पानी की मैंने शामिल किए हैं और 2 चम्मच मैंने ये इसके अंदर बेसन की शामिल करूँगी और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने लस्सी जो है वो रेडी कर ली है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ कढ़ाई पे मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है वो ऑयल ले लिया है और यहाँ पे जो इसके अंदर मसाले जाएंगे ये ज़ीरा पाउडर है, लहसुन पाउडर है, जो है वो चिली फ्लेक्स है और ये मेथी है, 2 चुटकी सौंफ है, हल्दी है और ये तेज़पात के 2 पत्ते हैं और 1/2 चम्मच जो है ये मेथी जाना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे और मसाले के अंदर इसको अच्छी तरीके से 1 मिनट तक भूनेंगे। मसाला अच्छी तरीके से भून गया और अभी हम ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको चम्मच को चलाते हुए पकाना है जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। आपने चम्मच को चलाते रहना है, चम्मच रोकने से इसमें गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी, तो आपने चम्मच को इस तरीके से चलाते रहना है। जग के साथ जो लस्सी लगी हुई है वो थोड़ा सा पानी डाल के आपने उसको भी इसके अंदर शामिल कर देना है। बॉयल आना शुरू हो गया है, यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल करूँगी और फिर हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। साथ ही हम पकौड़ों का मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव बेसन लिया है और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप की हुई मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और साथ ही ये थोड़ी सी हरी मिर्चें ये इसके अंदर शामिल करेंगे और मसाले जो इसके अंदर जाएंगे वो ये धनिया पाउडर है, थोड़ा सा 1/2 चम्मच जो ये चाट मसाला है, 1/2 चम्मच लहसुन पाउडर है, 1/2 चम्मच ये मेथी है और 1/2 चम्मच जो है ये चिली फ्लेक्स है, इसको शामिल करेंगे। ये 2 चुटकी के करीब जो है वो बेकिंग सोडा है ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और पानी से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए, इसको हमने ज़्यादा देर नहीं रखना फौरन इसके हम पकौड़े बनाएंगे। आप इसकी जगह कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्चें डाली हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें ऐसे चम्मच की मदद से पकौड़े डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त बनके ये रेसिपी तैयार होगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है। कढ़ी पकौड़ा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हर इलाके की अपने अपना तरीका होता है, तो अभी हम इनको 1 मिनट के बाद इनकी साइडें चेंज करेंगे। खासा कढ़ी पक रही है, जितनी देर में पकौड़े तैयार होंगे ये तकरीबन तैयार हो जाएगी। अभी हम इनकी साइडें चेंज करेंगे, ज़बरदस्त शक्ल आना शुरू हो गया, ये बेकिंग सोडे की वजह से फूल गए, ये ज़बरदस्त तैयार होंगे, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इनको अच्छा सा कलर आ गया, मैं इनको निकाल लूँगी और बाकी के सारे मैं इस तरीके से बना लूँगी। पकौड़े हमारे सारे रेडी हो गए, अभी हम इसकी बघार यानी कि धुनी जो है वो तैयार करेंगे। इस पैन में मैंने पकौड़े फ्राई किए हैं, बाकी का ऑयल मैंने निकाल लिया है, ये थोड़ा सा छोड़ दिया है। इसके अंदर हम बघार लगाएंगे ये जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़े से खुश्क कड़ी पत्ते हैं, रेड गोल वाली जो मिर्ची होती है सूखी हुई है और थोड़ी सी ये 2 ये मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े और ये 1/2 चम्मच ज़ीरा है, इसको पकाएंगे फ्राई करेंगे इसके अंदर। कढ़ी के अंदर पकौड़े शामिल कर देंगे और साथ ही जो मैंने बघार लगाई है उस
उसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सिकड़ी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं मेरी तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।